इस्लाम से दीनी मुतालिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मुतालिक कुछ अहम मसाइल बताऊंगा आपको। वो जो मसला मैं आपको बता रहा हूँ कुर्बानी के मुतालिक, आप अगर देखना चाहें तो अद्दुर्रुल मुख्तार में जिल नंबर 6 सफा नंबर 296 पे, किताबुन नवाजिल में जिल नंबर 14 सफा नंबर 466 पे, फतावा हिंदिया में जिल नंबर 5 सफा नंबर 289 में ये मसाइल जो अभी आपको बताऊंगा ये मिल जाएंगे। ये ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना जरूरी है आपके लिए, ऐसा तो फर्ज नहीं है लेकिन हाँ ये जरूरत है आपके लिए। नहीं जानेंगे तो फिर कुर्बानी में या कुर्बानी के अलावा कभी भी आप जानवर को जिबा करेंगे तो इसमें दुश्वारी पेश आ सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। अब पहली बात, पहला मसला ये समझें, कसाई हजरात जानवर को जिबा कर देने के बाद उसका जिगर मारते हैं, उसके जो है गले के साइड में चमड़ी को जरा छील कर, चमड़ी उतार के उसके अंदर से खून निकाल देते हैं, गर्दन के अंदर से यानी जो है पेट के जो है उसके छाती के अंदर से खून निकालते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। याद रखें बिल्कुल मकरूह है, मकरूह है, तहरीमी है ऐसा करना। आपको सिर्फ इतनी इजाजत है कि जानवर को जैसे जिबा करते हैं, जिबा करने के बाद वैसे ही छोड़ देंगे। जब तक जानवर ठंडा नहीं होगा तब तक उसका सर अलग करना, उसका चमड़ा छीलना, चमड़ा उतारना या फिर जानवर को जल्दी ठंडा करने के लिए उसके सीने पे चाकू घोपना, चाकू डाल के खून निकाल देते हैं उसके सीने से ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। याद रखें ये सख्त मकरूह है, ये आज के दौर में ऐसा ही हो रहा है। आप देखें जहां कुर्बानी होती है वहां पर कसाई हजरात इस तरह जो है जल्दी से उसके जो है जैसे ही जानवर को जिबा करते हैं, जानवर को जिबा करने के बाद अब उसके सीने के पास से जरा से जो है चमड़ी को, चमड़े को हटाकर वहां से छुरी घोंप देते हैं अंदर ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। याद रखें आप इससे रोकें। हाँ और बात है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस जानवर का गोश्त हलाल है, ऐसा कर देने से जानवर का गोश्त हराम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस जानवर का गोश्त खाना हराम हो गया, हराम नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा करना सख्त मना है, शरीयत इसे इजाजत नहीं देती है, लिहाजा आप इसको रोकें। आप जहां कुर्बानी वहां हो रही हो, आप जहां मौजूद हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जहां पर कसाई हजरात इस तरह करें आप उन्हें रोकें कि अभी जानवर को ठंडा होने दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जो है आप उसके सीने पे, उसके छाती पे चाकू घोपिए या सर अलग करिए या चमड़ी अलग करिए। जब तक जानवर ठंडा नहीं हुआ है तब तक चमड़ा छीलना या उसके सीने पे, उसके छाती पे छुरी घोप के खून निकाल देना, जिसे जिगर मारना कहते हैं, जिगर मार देते हैं जल्दी ठंडा करने के लिए, यह भी इजाजत नहीं है। इसकी जरूरी है, ये मसला जरूरी है। आप, मैं आपको इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसकी जो है देखभाली करें, आप इस मसले को जहन में रखें और अपनी कुर्बानी के वक्त इसका ख्याल जरूर रखें। ये एक बात थी। दूसरी बात, जानवर को जब जिबा करते हैं, जिबा करते वक्त बहुत सारे मसाइल हैं इसके मुतालिक, बहुत सारे मसाइल, एक मसला मैं बताना जरूरी समझूंगा। वो मसला ये है, जानवर को अभी आप भैंस हो या ऊंट हो या किसी को भी आप अभी जिबा किए हैं, थोड़ा सा जिबा किए हैं, जानवर खड़ा हो जाता है या ऊंट के दौड़ता है भागता है फिर उसे पकड़ के जिबा करते हैं। यहां मसला यह है कि क्या वो जो पहली मर्तबा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर जानवर को जिबा किया था, अब जानवर उठ गया था, अब दोबारा उसे लिटा रहे हैं जिबा करने के लिए, क्या अब फिर से दोबारा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के जानवर को जिबा करना होगा या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? अब समझिए, अगर जिबा करने वाला वही है जो पहली बार जिबा कर रहा था, जानवर उठ गया था, अगर वही आदमी जिबा कर रहा है पहले वाला आदमी, अब देखना यह है जानवर सिर्फ खड़ा हुआ है या भाग गया था। अगर जानवर सिर्फ खड़ा हुआ है फिर उसे वहीं पर लिटा देते हैं और वही पहले वाला आदमी उसे जिबा करता है तो अब उसके लिए दोबारा बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर पढ़ना जरूरी नहीं है, बगैर बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर, क्योंकि पहली बार पढ़ चुका है, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बगैर दोबारा बगैर पढ़े उसे जिबा कर सकता है। और अगर जानवर वहां से भाग गया था, उसे पकड़ के लाते हैं, दौड़ने लगा था,
اٹھ کر دوڑ رہا تھا اسے پکڑ کے پھر سے لٹاتے ہیں. اب ذبح کرنے والا وہی پہلا انسان ہے, اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے گا, ضروری ہے یہ. اب ایک مسئلہ سمجھیے, اگر ذبح کرنے والا پہلا انسان تھا تو یہ مسئلہ, اگر ذبح کرنے والا دوسرا انسان آ جاتا ہے, وہ جو ہے ذبح آدھا کیا تھا, دو رگ کاٹا تھا, اٹھ کے جانور بھاگنے لگا, وہ ڈر کے چلا گیا, دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے, اب چاہے جانور کھڑا ہوا ہو یا وہیں بیٹھا ہو یا بھاگ گیا ہو, اگر دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے اور جانور کا تین رگ کٹا نہیں تھا, تو اب دوسرے آدمی کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہے, ورنہ پورا جانور حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. اور اگر تین رگ پہلے والا انسان تین رگ کاٹ چکا تھا, اب اس کے بعد یہ کاٹتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے بغیر, تو پھر جائز ہے, یعنی جائز ہے مطلب اس گوشت کا کھانا جائز ہے. اور اگر تین رگ پہلے والا آدمی تین رگ کاٹا نہیں تھا, جانور بھاگ گئے, دوسرا آدمی کاٹ رہا ہے, دو ہی رگ کاٹا تھا پہلے والا آدمی یا ایک رگ کاٹا تھا, اب یہ اس کے بعد مکمل ذبح کر رہا ہے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے, تو پھر جانور مکمل حرام, قربانی بھی نہیں ہوئی آپ کی. مسئلہ سمجھیے, ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں چھری چلاتے ہیں, چھری چلانے کا ایک مسئلہ یاد رکھیں, چھری پکڑنے والے ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا پانچ ہوں, جتنے حضرات چھری پکڑے ہوں گے, چھری کو جانور کو نہیں, جانور کا الگ مسئلہ, چھری جتنے حضرات پکڑے ہوں گے سب کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل, آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں. اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں, اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات, حمد و نعت, خوابوں کی تعبیریں, اکابر کے مجرب وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں.